रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पैसे रखने के लिए खरीद लो अब तिजोरी, क्योंकि 1 अप्रैल से इन राशि वालों की अब चमकने वाली है किस्मत। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आने वाली 1 तारीख से अप्रैल महीने का यह नया महीना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल को एक बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। जी हाँ, बता दें कि इस दिन बुध ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रही है। जी हाँ, बुध ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश इस दिन करने वाली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दिन 2 बड़े खास योग भी बन रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि इस दिन रवि योग और अमृत सिद्धि योग एक साथ पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह दोनों ही योग मांगलिक और शुभ कार्य की शुरुआत करने, साथ ही साथ किसी नए बंधन में बंधने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभ योग माने जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्रह में गोचर की स्थिति इस दिन से कुछ इस प्रकार बदल रही है, कुछ इस प्रकार चेंज हो रही है कि यह पूरा महीना कुछ विशेष राशि वालों के लिए वरदान बनकर आया है। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके लिए यह पूरा महीना यानी पूरा अप्रैल का महीना अत्यंत ही शुभ और फलकारी रहने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ इस दिन से कुछ राशि वाले लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा बरसने वाली है। तो आखिर ये राशियां कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ और कौन से बड़े परिवर्तन इस दिन से देखने को मिलेंगे, ये सब जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में इन राशि वालों को अपनी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। जी हाँ, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से ही हो जाएगी। महीने के प्रारंभ से ही अचानक से धन प्राप्ति का बढ़िया मौका आपको मिलेगा। गुरु का राशि परिवर्तन होने से आपके करियर में भी कुछ बड़े बदलाव आ सकती हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो वह आपके पक्ष में रहेगा। दोस्तों, यहाँ तक स्थान परिवर्तन, नौकरी में बदलाव व व्यापार में भी आपको अप्रत्याशित परिणाम नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इस महीने 3 अघटित घटनाओं के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच आपका सामाजिक दायरा विस्तृत होगा। जी हाँ, और यह आपको पर्याप्त लाभ पहुँचाएगा, खासकर प्राइवेट सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं या अपनी खुद का कार्य कर रही हैं, तो निश्चित ही आप इस समय में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। यहाँ तक कि कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च फायदे आपके पक्ष में आते हुए नजर आपको आएंगे। कुंडली में लाभेश योग कारक होने की वजह से पद एवं प्रतिष्ठा को लेकर आप लोगों को इस दौरान बड़ा लाभ मिलेगा, खासकर जो दिन रात काम करते हुए अपने करियर को चमकाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो निश्चित तौर पर अपने विरोधियों को पीछे आप छोड़ सकेंगे। निर्धारित लक्ष्य को हासिल भी आप इस दौरान कर पाएंगे, जिसके कारण आपको नौकरी में भी बड़ा पद मिलेगा, यहाँ तक उपलब्धियों से नवाजा भी आपको जाएगा। इतना ही नहीं, आपको दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी आप निभा भी पाएंगे, जिम्मेदारियों के प्रति भी पूर्ण संकल्पित आप होंगे और उसका लाभ आपको भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि 7 अप्रैल के बाद धन प्राप्ति का एक ऐसा मौका भी आपको मिलेगा जो आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा सकता है।
गैर परंपरागत जरिए से मिले या फिर शेयर बाजार लॉटरी सट्टे पैतृक संपत्ति के अधिकारों के रूप में मिले, इस समय निश्चित तौर पर आपको लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। एक ओर कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे तो दूसरी ओर पुराने विवाद को सुलझाने में आप कामयाब रहेंगे। सबसे बड़ी घटना उन लोगों के साथ होने जा रही है जो जीवन पथ में स्थिर गति से कार्य कर रही हैं और उसमें बदलाव लाना चाहती हैं, यानी कि नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हैं या फिर कुछ नया करना चाहती हैं। तो मान के चलिए दोस्तों 8 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच के अवधि उस सफलता के द्वार पर लेकर आपको खड़ा कर देगी जहां से आप जिंदगी की नई शुरुआत करने का मन बनाएंगे। जी हाँ, इस समय नौकरी प्राप्ति का ज़बरदस्त योग आपके लिए बनेगा। इतना ही नहीं, आपको उस जगह पर नौकरी करने का अवसर भी मिलेगा जहां पर कई महीनों से पद के लिए आप अर्जी कर रहे थे या फिर आपने आवेदन किया था या फिर आप प्रयत्नशील थे। दूर दराज के संपर्क के माध्यम से नौकरी आप प्राप्त करना चाहते थे तो निश्चित तौर पर दोस्तों वही स्थान आपको प्राप्त होगा। यकीन मानिए, व्यापार और कारोबार में भी दिल खुश करने वाले फ़ायदेमंद सौदे आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में तुरंत नकद पैसा भी आपको मिलेगा। इस दौरान आप अपनी पहुंच के दायरे को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे व्यापार एवं कार्य क्षेत्र को ज़्यादा विस्तारित भी आप कर पाएंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी कर पाएंगे जिसका कि लाभ भविष्य में आपको अवश्य मिलेगा। शत्रु भाव में स्थित राहु आपके शत्रु एवं प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर देगा जिसके कारण आपके व्यापार उम्मीद से ज़्यादा बढ़ेगा और उसके ज़रिए आमदनी भी आपको अधिक मिलेगी। उसका ही नतीजा ये होगा कि आप पिछले कई महीनों में हुए घाटे को दूर कर पाएंगे, कर्ज को चुका पाएंगे, यहाँ तक आप परिवार एवं अपने लिए भोग विलास से संबंधित सामग्रियों पर भी खर्च कर पाएंगे। अगर आप रेस्टोरेंट, कपड़ा या आयात निर्यात से जुड़ा कोई कार्य शुरू करना चाहती हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो वहीं अप्रैल महीने में नए बिजनेस में पैसा लगाने के लिए समय अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, इंतज़ार ही आपके लिए शुभ होगा। तो वहीं दोस्तों 15 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के बीच आपकी किसी दबी हुई इच्छा भी इस दौरान पूर्ण होने की प्रबल संभावना बन रही है। यहाँ तक दिल बहलाने वाले कुछ मौके आपके जीवन की रफ्तार को इस दौरान और तेज़ करते चले जाएंगे। बता दें कि यदि आप विदेश जाना चाहती हैं और वहां पर स्थित होकर कार्य करना चाहती हैं, धन कमाना चाहती हैं, तो दोस्तों महीने के अंत तक आपकी शंका व चिंताएं एक ही पल में दूर हो जाएंगी क्योंकि विदेश भवन में स्थित मंगल आपको अपनी भूमि से दूर ले जाकर धन कमाने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। यहाँ तक कि विवाह के लिए शादी के प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे, वह भी दूर प्रदेश से। विदेश में जाकर पढ़ाई करने का भी सपना आपका पूरा होता नज़र आएगा। तो वहीं कड़ी मेहनत के बलबूते पर परीक्षाओं में सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। प्रोफेशनल कोर्स से जुड़ी स्टूडेंट्स को निश्चित तौर पर इस महीने अच्छी जॉब मिलेगी। तो वहीं भागीदारी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ निराशा का सामना हालांकि आपको करना पड़ सकता है, वायु की तकलीफ आपकी बढ़ सकती है, छोटे मोटे कष्ट भी उत्पन्न होंगे, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। सबसे अघटित घटना आपके विवाहित प्रेम जीवन में घटित होती दिखाई दे रही है। वैसे तो आपके विवाहित जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, किंतु गलतफहमी आपके रिश्ते में आ सकती है जिसकी वजह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों को मिलने जा रही है
जो काफ़ी समय से शादी को लेकर परेशान चल रही थी। शादी की बात तो चलती थी लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाती थी। किसी ने किसी बात को लेकर शादी टूट जाती थी या अंत समय में शादी की बात कैंसिल हो जाती थी। उनके लिए शादी का योग बनेगा तो वहीं प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जो लोग हैं वह इस पूरे महीने सुख भरे लम्हों के साथ रोमांटिक जीवन व्यतीत करने में कामयाब रहेंगे। साथी से मिलने का आपको मौका मिलेगा, उसे समझने का मौका मिलेगा। घूमना फिरना और ऐशो आराम की भोग विलास संबंधित चीज़ों से सामना भी आपका होगा। जो प्रेम विवाह के बारे में सोच रही हैं उनकी भी लव लाइफ शादी में तब्दील हो जाएगी। अप्रैल महीने के मध्य में प्रेम प्यार का ऐसा बवंडर उठेगा जो आपके अकेलेपन को उठाकर ले जाएगा। जी हाँ, बता दें कि इस दौरान आप प्यार की गिरफ्त में आने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई अजनबी दोस्त प्रेमी के रूप में एंट्री करने जा रहा है। इतना ही नहीं, आपका एक तरफा प्यार भी इस दौरान मुकम्मल होगा। आप भी वह सारे सुख प्राप्त कर सकेंगे जो दुनिया के लिए जायज़ नहीं है। कुल मिलाकर आप इस दौरान सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि यह राशियां हैं मेष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, मकर राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।